अगर अब देख लिया जाए सर तो कानून से बड़ा कोई नहीं, क्या लगता है आपको खेसारी लाल कानून से बड़े हैं? इस देश में कानून प्रमुख है और कानून से बड़ा कोई नहीं, सबको चलना पड़ेगा, चाहे वो खेसारी हो, चाहे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। जी बिल्कुल, सबको कानून के अनुरूप ही चलना। अच्छा, अगर अगर आपसे कह लिया जाए कि खेसारी लाल कैसा गाते हैं या फिर खेसारी लाल कैसे सिंगर है, तो क्या आप? ये पावर स्टार है, बाहुबली स्टार है, वो बना देते हैं, ऐसा हमें तो नहीं लगता है। टैग मिला है ना कि बच्चा अगर एक बंदूक खरीद के लाया प्लास्टिक का तो दूसरा बच्चा सोचेगा कि अरे यार हमको भी होना चाहिए, वो भी अपना दिखाएगा। तो ये नौसुखी हैं, अपना जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। साथ इनका एक समय के लिए होगा या तो इतने गानों के लिए होगा, अगर है, भाई हमने तो देखा नहीं है क्या है, लेकिन अगर है तो इन्हें अनुबंध का पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कानून करवाएगा पालन, और अनुबंध अगर ये समझौते के तहत तोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो अनुबंध के तहत इनको अनुबंध का पालन करना पड़ेगा। और ये ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, ये जिस तरह कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी प्रॉब्लम और होगी, क्या फर्क पड़ता है कौन करा रहा है, नहीं करा रहा है, क्यों करा रहा है, ये सबको पता है, सब जानते हैं कि कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट ठीक है ना, बात यहां बिगड़ी कि आप मेरे हिसाब से काम करिए, तो मैं किसी का गुलाम हूं नहीं, मैं आजाद इंसान हूं, पॉजिटिव जिंदगी में पॉजिटिव रहिए, आप लोग खुश रहिए, आज नहीं तो कल। इतना 14 ही बरस का वनवास हुआ था ना, लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आए दिन भोजपुरी विवाद को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकार हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। अब ट्रेंडिंग स्टार कह लीजिए खेसारी लाल यादव जी को। खेसारी लाल यादव जी ने कंपनी को कहा कि महोदय जी, और खुद उन्होंने कहा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि आपसे पैसा ले रहा हूँ तो आपके कंपनी को गाना दूंगा। जब से एक गाड़ी लिए, आप भी जानते हैं, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री चलते हैं, उस गाड़ी को लेकर वो दिखाने लगे कि आज मैं 5 करोड़ की गाड़ी से चलता हूँ, 2 करोड़ की गाड़ी से चलता हूँ, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से, ये तो बाद में समझ में आया। आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आप भी जानते हैं कि समर सिंह के चर्चित वकील रहे आशीष सिंह जी, आज हमारे बीच में हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर अगर देखा जाए काफ़ी भोजपुरी सिंगरों का हमेशा अगर बात किया जाए तो अभी एक मामला समर सिंह का था जो आपने कमान संभाला था, एक और मामला खेसारी लाल यादव जी का चल रहा है जो कि गाना को लेकर आज विवाद में फिर फंस गए हैं। आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया में बहुत काफ़ी वायरल रहते हैं, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। आज एक गाने को लेकर जिस तरह इस कंपनी ने उन पे क्या होता है कि दाखिल कर दिया हाई कोर्ट दिल्ली में, और दिल्ली ने कह दिया कि 3 साल इस कंपनी को जब तक ये गाना नहीं देंगे तब तक ये गाना नहीं गा पाएंगे, फिर भी इन्होंने उसका भी उल्लंघन करते हैं, कानून का भी उल्लंघन करके आगे बढ़ जाते हैं। इस पे आपका राय क्या है? चूँकि तजुर्बा ज़्यादा है, आप भोजपुरी सिंगरों का काफ़ी केस लड़ते हैं, इसलिए देखिए अगर खेसारी लाल यादव जी ने किसी कंपनी से अनुबंध किया है जी, और जितने समय के लिए किया है या जितने गाने के लिए किया है, अगर वो अनुबंध तोड़ते हैं जी, तो ये कानून अपराध है जी। और अनुबंध अभी देखना होगा कि उनका किस कंपनी से और कितने दिन के लिए अनुबंध था जी। अब अनुबंध अगर वो पालन अनुबंध का नहीं करते हैं तो ये कानून अपराध है जी, बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए, वही खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैंने किया है फिर भी मैं दूसरे में गाऊंगा, इससे क्या होता है? दूसरी बात, जोर जबरदस्ती हमेशा करते हैं कि मैंने, मेरी खुद की काबिलियत है, मैं स्टार हूँ, कुछ भी करूंगा इससे और लोगों का, हालांकि उन्होंने कानून का भी उल्लंघन किया है। क्या कानून को उल्लंघन, कानून को एक तरफ ताक पे रख देते हैं ऐसे स्टार अपने आप को हमेशा समझने वाले, क्या कानून से भी बड़े हैं ये? अगर देख लिया जाए सर तो कानून से बड़ा कोई नहीं, क्या लगता है आपको खेसारी लाल कानून से बड़े हैं? इस देश में कानून प्रमुख है और कानून से बड़ा कोई नहीं है जी। जो संविधान जो कानून कहेगा उसी के अनुरूप सबको चलना पड़ेगा, चाहे वो खेसारी हो, चाहे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। जी बिल्कुल, सबको कानून के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। लेकिन लाइव आकर जिस तरह से बता देते हैं कि नहीं मैंने किया है, मैं अपने काबिलियता से किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो काबिलियता और कानून में कोई अंतर नहीं है क्या सर? नहीं, अगर अनुबंध वो किसी कंपनी से किए हैं तो अपने काबिलियत के बल पे ही किए होंगे, अच्छे कलाकार होंगे, अच्छे कलाकार हैं, और अगर अनुबंध किसी कंपनी ने उनसे किया है तो वो स्टार है इसलिए किया है। लेकिन अनुबंध कितने समय तक है और कितने गानों के लिए है, इस अनुबंध का उन्हें, अगर अनुबंध है तो पालन करना पड़ेगा जी। खेसारी लाल यादव के गाना सुनते हैं कि नहीं सर आप?
नहीं गाना एक दर्शक के रूप में अगर बात आज वकील के नाते नहीं कहूंगा, एक दर्शक के नाते मैं कह रहा हूँ। चलिए, वकील का एक अलग पेशा है, मैं जानता हूँ कि वकील से आप मतलब इस तरह से नहीं, लेकिन अगर देखा जाए पवन सिंह को लेकर, खेसारी लेकर, अभी आपने समर सिंह का बहुत बड़ा कमान आप ही संभाले, आप लोग जानते हैं, बताना नहीं है कि आशीष सिंह कौन है, समर सिंह का कमान संभालने वाले यही है, समर सिंह की आज भी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर खेसारी की बात किया जाए सर, खेसारी लाल अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार, तो कभी गाना उनका सुनते हैं कि नहीं आप? गाना देखिए कभी कदा समय मिलता है तो हम लोग जिसका अच्छा होता है सभी का सुन लेते हैं, उसमें पर्टिकुलर कोई एक नहीं है, जिसका लगा अच्छा सुन ली। अच्छा, अगर अगर आपसे कह लिया जाए कि खेसारी लाल कैसा गाते हैं या फिर खेसारी लाल कैसे सिंगर है, तो क्या आपका राय रहेगा? अब भाई हम देखिए संगीत के बारे में बहुत कम ज्ञान है। नहीं, ज्ञान की बात नहीं है सर, ठीक है, वो भी तो एक अगर देखा जाए तो वकील के नाते अगर बात कर लिया जाए तो वकील होता है कुछ भी हो, गाना तो सभी लोग सुनते हैं, संगीत से सबका लगा है। देखिए संगीत बहुत अच्छी चीज है, सबको सुनना चाहिए, हम लोग भी सुनते हैं। अच्छा, पूर्वांचल से आते हैं, भोजपुरी के महान बताते हैं कि पूर्वांचल को अगर कोई है तो भोजपुरी को बढ़ावा देने वाला सिर्फ पूर्वांचल ही है, और पूर्वांचल आज बनारस में हम लोग हैं सर जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ये भोजपुरी को, भोजपुरी संगीत को बढ़ाने के लिए यही क्षेत्र पर्याप्त है और बढ़ाता भी है यही क्षेत्र। गाने हम लोग भी सुन लेते हैं, अच्छे गाने जो मिलते हैं सुन लेते हैं, मैं तो ज्यादातर तो अश्लीले होते हैं मैक्सिमम और आप घर में तो इसको सुन नहीं सकते। अच्छा, गाड़ी उड़ी में चल रहे हैं तो भले। देख लीजिए वकील साहब का बयान है कि घर में नहीं, अब यही लोग अपने आप को ट्रेंडिंग कहते हैं, समाज में अगर देखा जाए ऐसे वकील साहब एक समाज को लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो लगता है कि है, लेकिन ऐसे स्टार अपने आप को खुद, हालांकि देखिए सर कोई टैग तो मिलता नहीं है, कि टैग भी मिलता है कि ट्रेंडिंग स्टार है, पावर स्टार है, और ना जाने कि इसका टैग भी कुछ मिलता है सर? ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कोई टैग होता है, ना कोई ट्रेंडिंग स्टार होता है, ना कोई पावर स्टार होता है, इसे उनके जो समर्थक होते हैं वो उनको बना देते हैं। अच्छा, वही नाम दे देते हैं, ये पावर स्टार है, बाहुबली स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, अच्छा वो बना देते हैं। ऐसा हमें तो नहीं लगता है कहीं टैग मिला, जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा कि एज ए वकील हैं, आपका सर्टिफिकेट के आधार पे यहाँ पे अपने चेंबर में बैठे हैं और कचहरी में देख रेख करते हैं, इन लोगों को कौन सा टैग मिल जाता है? वकील जैसे होते हैं कि उनको एक परीक्षा पास करनी होती है, जी, जी, जी। और जो सर्टिफिकेट हमें मिला है वैसा ही सर्टिफिकेट सारे अधियोक्ताओं को, उसमें कोई विशेष नहीं है कि हमें छोटा मिल गया, किसी को बड़ा मिल गया या किसी को। हाँ, वरिष्ठता होती है भाई, जो सीनियर होता जाता है उसको वरिष्ठ बोलते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग स्टार, बाहुबली स्टार और पावर स्टार ये तो समर्थक बना समर्थक बता। अगर देखा जाए सर तो इन लोगों को अगर बात कर लिया जाए कि ये लोग अपने से जो टैग लेके चलते हैं तो कहाँ तक सही है सर, समाज में कितना ये लोग क्या छाप छोड़ पाते हैं? देखिए, अपने फायदे के लिए ये सब चीजें हैं, हाँ। और अपने फायदे के लिए करते हैं, हाँ। यूट्यूबर लोग हैं, अपना जो बना दें, जो जिनके समर्थक हैं, जिसको जो बनाना है बना रहे हैं अपना, जिसको जहाँ से फायदा लेना है वो फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। यूट्यूबरों की बात करें तो ये भी तो यूट्यूबर है, खेसारी लाल भी तो यूट्यूबर है, ये कौन सा बहुत है, अपने चैनल से लाइव आते हैं, अपने चैनल पे गाना कभी कभी ले लेते हैं, दूसरे कंपनी को देते हैं, लेकिन खास तौर से तो अपने चैनल का ही, ये लोग अपना चैनल अपना सब कुछ बना रखे हैं, नहीं बना रखे? मैंने कहा, पहले ही कहा जी, कि अपने फायदे के लिए ये अंतिम व्यवस्था तक प्रयास करते हैं कि हमको कहां से कितना फायदा कहां से मिल रहा है, उसको प्रयास करते हैं, उसको गेन करने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं और लेते भी हैं। अब यूट्यूबर अगर आप अगर आपके चैनल से होगा तो पैसा आपके पास जाएगा, बिल्कुल, लेकिन अगर उनके चैनल से है तो वो पैसा उनके पास आएगा, बिल्कुल। इसलिए प्रयास करते हैं कि जो भी पैसा आए वो हमारे कंपनी में आए, हमारी व्यवस्था में आए। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा सर, अब अगर अमिताभ बच्चन की बात कर लिया जाए या फिर बॉलीवुड हॉलीवुड की बात कर लिया जाए तो एक अलग चीज है, आज तक कोई नहीं दिखाया होगा कि मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक घोड़ा, लेकिन आप देखे होंगे पावर स्टार कर लीजिए, पवन सिंह भी अपना बंगला दिखा रहे हैं कि देख लो ये मेरा बंगला है, शायद आप भी देखे होंगे, उसके बाद तुरंत इन्होंने गाड़ी लेकर, जो यशस्वी प्रधानमंत्री चलते हैं जिस गाड़ी से, वो गाड़ी लेकर दिखाने लगे कि ये मेरे पास, तो कहाँ तक ये सही है दिखावा करना इन लोग के लिए, क्या है लोग साबित क्या करना चाहते हैं समाज में, हालांकि इनका कुछ है नहीं, जो कुछ दिया हुआ है समाज का होता है। नए लोग हैं, आपसी कंपटीशन है, बस दिखाने जैसे होते हैं ना, कि बच्चा अगर एक बंदूक खरीद के लाया प्लास्टिक का तो दूसरा बच्चा सोचेगा कि अरे यार हमको भी होना चाहिए, वो भी अपना दिखाएगा,
तो ये नौसुखी हैं, अपना जो है दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई अब गाड़ी ले लिए तो हम गाड़ी ले लिए तो हमें भी दिखाना है। इनसे लाखों ज्यादा बड़ी गाड़ियां, ज्यादा महंगी गाड़ियां मुंबई की स्टारों के पास है, बिल्कुल हिंदुस्तान, लेकिन वो तो कभी दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन इनको दिखाना है। अब इससे क्या समाज में साबित करना चाहते हैं ये? अपने को ये कुछ नहीं साबित करना चाहते, ये अपने अपने लोगों के बीच कंपटीशन कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं। हमें आप क्या फर्क पड़ता है ये 50 लाख की गाड़ी चले चाहे 50,000 की गाड़ी चले, उनका ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम ट्रेंडिंग स्टार हैं, हम पावर स्टार हैं, हम बाहुबली स्टार हैं, तो हमारे पास ये फैन फॉलोइंग है, तो हमारे पास ये गाड़ी है, और समर्थक भी आपस में लड़ते रहते हैं। जी बिल्कुल सर, ये मिलते हैं मंच पे तो एक होते हैं, समर्थक आपस में लड़ रहे हैं, यूट्यूब पे लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल सर, देख रहे हैं सर, अनुभवी एक वकील है, आप भी जानते हैं। अगर बात कर लिया जाए तो सर क्या इन पे अगर कंपनी के दूसरे कंपनी में गाना गाते हैं तो उस कंपनी क्या धारा लगवा सकती है कानून के तहत? नहीं, ये तो गलत है। अगर अनुबंध किसी कंपनी के साथ इनका एक समय के लिए होगा या तो इतने गानों के लिए होगा, अगर है, भाई हमने तो देखा नहीं है क्या है, लेकिन अगर है तो इन्हें अनुबंध का पालन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कानून करवाएगा पालन। और अनुबंध अगर ये समझौते के तहत तोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो अनुबंध के तहत इनको अनुबंध का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए सर रहे, देखते हैं कानून का जिस तरह से धज्जिया उड़ाना है, कानून के अगर हवाले में आ जाएंगे तो उनको भी जिस तरह से सभी व्यक्ति पे कानून लागू होता है, इनके भी कानून लागू होना चाहिए क्या सर? और वो कानून लागू होगा ही होगा, लेकिन धारा को बताए नहीं सर कौन धारा है, अभी देखना पड़ेगा, हमने पढ़ा नहीं है क्या अब इनका मामला क्या है। बस 420 ही कर लेना भाई, तो 419 420। अच्छा, दो धाराएं लग सकती हैं, भ्रष्टाचार है। अगर ये अनुबंध को तोड़ते हैं, अब देखना पड़ेगा, हमने तो देखा नहीं कि अनुबंध क्या है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करिएगा कि सर एक अनुभवी वकील है और खेसारी लाल यादव जिस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, क्या उल्लंघन करना चाहिए, क्या आगे ऐसी कार्रवाई करते हैं तो इन पे कानून का जितना भी प्रक्रिया है लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।